गाइस, आप सब कैसे हो? आज फादर्स डे, तो आज मैं गिफ्ट लेने जा रही हूँ मेरे अब्बा के लिए। मैं मम्मी से जा रही हूँ गिफ्ट लेने। आपको दिखाते हैं हम क्या लेते हैं। ठीक है, चलेगा। चलो इन आया, ये वाला दो ना, इन आया आंटी को बताओ। नहीं नहीं, वो नहीं, ये वाला। ये हम हुज़ैफ़ा को ये जो केक लाए थे वो कट करेंगे, और जो गिफ्ट लाए हैं वो भी उनको देंगे। ठीक है, इसको लग रहा है हैप्पी बर्थडे, बट ये हैप्पी बर्थडे नहीं है, ये है केक। हमें जो बस जो छोटा सा लाए हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि इनाया की खुशी थी इसीलिए लाए। ओपन इट, ये केक नहीं है, अंदर केक है, ओपन करो। यहाँ पे शायद से सेलो टेप लगा है। ओपन इट फास्ट। माय डैड, My date. It's not happy birthday, Kashyap. It's happy Father's Day. Kashyap तो मुझे दिख ही नहीं रही कहीं पे। पहले बड़ी बेटी को खिलाओ। बड़ी बेटी कौन है? कश्यप इनाया है ना। फिर कश्यप को ये खाना, उसको ये खाना है। खाओ तो फाइनली मैं तुम्हारी डॉटर हूँ। इनाया चलो गिफ्ट लाओ अब्बा के लिए। तो अभी हम दे रहे हैं गिफ्ट हुज़ैफ़ा को इनाया के और कश्यप की तरफ से। तो उन्होंने आग बंद किए हैं अभी, हमने कुछ उसको पैक नहीं किए हैं, जैसे अभी लेके आए थे थोड़ी देर पहले। तो कैसा लग रहा है आपको ये गिफ्ट? उसने बोला कि अगर साइज का कुछ रहेगा तो मैं एक्सचेंज कर लूँगा विद इन 2 डेज। कश्यप कैसे कर रही है? कश्यप अस्सलाम वालेकुम गाइस,
तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी खैरियत से है, कुछ टेंशन चल रहा है घर में, थोड़ा सा पापा की तबीयत ख़राब है, एडमिट है हॉस्पिटल में, उसी भागम रोड में लगे हैं हम लोग संडे से। तो काफ़ी चीज़ें हैं, अभी ब्लॉग इसलिए हम लोग नहीं बना पा रहे, काफ़ी दिनों से एक्टिव नहीं है। तो दो तीन ब्लॉग थे जो डालना था बट टाइम नहीं मिल पा रहा है। ऑब्वियसली बात है कि प्रायोरिटी सभी का अब्बा है, फिलहाल उनकी तबीयत ख़राब है तो उनको थोड़ा केयर की ज़रूरत है, उनके पास रहना ज़रूरी है, तो इसलिए हम लोग ब्लॉग नहीं बना पा रहे। आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना हो सके उतना उनके दुआ कीजिए, जितनी जल्दी वो अच्छे हो जाए उतना अच्छा रहेगा, उतनी जल्दी वो रिकवर हो पाएंगे। दुआ करते रहिए उनके, उन बहुत दुआ की ज़रूरत है। ठीक है, मेरे लिए तो काफ़ी सैड फादर डे रहा इस बार, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अपने अब्बा को इस हाल में देखूँ आज के दिन स्पेशली, या किसी भी दिन, मतलब कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसे हाल में जाए वो हॉस्पिटल में। तो रिकवरी तो हो रही है अच्छे से माशाल्लाह, बस ये अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग दुआ कीजिए जितना हो सके, और इस वक्त सिर्फ उनको दुआ की ज़रूरत है। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें हैं, डायबिटीज़ और थायराइड और काफ़ी दो तीन चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से थोड़ा सा उनको रिकवरी में टाइम लग रहा है, बट ठीक है इंशाल्लाह धीरे धीरे आप लोग की दुआ से वो भी रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, तो दो तीन ब्लॉग्स जो एक्सपेक्टेड है वो बहुत जल्दी आएंगे इंशाल्लाह, थोड़ा सा रूटीन सेट हो जाए, सेटल हो जाए। काफ़ी टेंशन चल रहा था इसलिए हम लोग भी नहीं कर पा रहे थे कुछ भी, और ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा प्रायरिटीज़ जहाँ पे है मेन अपने को वहाँ देखना है। ब्लॉग तो हम करते रहेंगे इंशाल्लाह, आगे भी आप लोग जिस तरह से सपोर्ट करते रहे अभी तक, आगे भी इंशाल्लाह करेंगे, और जितना हो सके उतना कनेक्टेड रहिए और दुआ करते रहिए, बस इतना ही बोलूँगा और कुछ नहीं, बस कीप सपोर्टिंग अस गाइस। और फादर्स डे सेलिब्रेशन का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन इनाया का मन था वो करने का थोड़ा बहुत सेलिब्रेट, इसलिए मैं मना नहीं किया। ठीक है कि अभी ऐसी हर ऐसी सिचुएशन में, ऐसी टेंशन में ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती, बट ठीक है बच्चों का मन था तो इसलिए मैंने मना नहीं किया। ठीक है, फाइनली फादर्स डे का जो सेलिब्रेशन था वो ख़त्म हो चुका है। छोटा सा सेलिब्रेशन था, करना नहीं था वैसे, बस इनाया की खुशी थी तो हमने सेलिब्रेट किए, उसको अच्छा लगा और हमें भी अच्छा लगा। तो फिर चलिए ये ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं जल्द नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जब तक के आप आपका ख्याल रखिए और हमें हमारे चैनल को यूँ ही प्यार देते रहिए, और प्लीज़ डू रिमेंबर माई फादर इन लॉ इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।